वेलकम फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं ईडीएम्स एंड फेजस की जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं इसमें ई की आपको स्टोरी और इसका ओरिजिन भी बताऊँगा यानी ये ई डी कहाँ से बना है और कैसे बना है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट ई दे रखा है वार्प एंड वूफ तो अगर इसके मीन की बात करें तो इसका मीन्स होता है बेसिक या फिर कह सकते हैं फंडामेंटल यानी किसी चीज़ का जो आधार होता है उसे हम लोग कहते हैं वार्प एंड वूफ तो चलिए इसको एक पिक्चर के थ्रू क्लियर कर लेते हैं तो भाई वार्प एंड वूफ ईडियम का ओरिजिन फैब्रिक की बुनाई से रिलेटेड है राइट जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे और जिसमें वार्प का मीन्स होता है थ्रेड्स रनिंग लेंथ वाइज यानी धागे को लंबाई में बुनना यानी लंबा लंबा बुनना उसे हम लोग कहते हैं वार्प तो आप लोग समझ पा रहे होंगे अगर वार्प के ओरिजिन की बात करें तो वार्प का ओरिजिन कहाँ से हुआ था थ्रेड्स रनिंग लेंथ वाइज जबकि बात करें वूफ की तो जिसका मीन्स होता है थ्रेड्स रनिंग क्रॉस वाइज जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे क्रॉस वाइज बुनना उसे हम लोग कहते हैं थ्रेड्स रनिंग क्रॉस वाइज यानी धागे को आड़ा आड़ा बुनना या फिर कह सकते हैं बेड़े में बुनना उसे हम लोग कहते हैं वूफ जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे तो आई होप आपको समझ

का भी ओरिजिन यहीं से बना तो तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यानी वार्प एंड वूफ मींस क्या होता है बेसिक या फिर फंडामेंटल और मैंने आपको पिक्चर के थ्रू क्लियर करा दिया है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए नेक्स्ट idiom देखते हैं हम लोग वियर वंस हर्ड ऑन वंस स्लीव यानी किसी के या फिर कह सकते हैं अपने हर्ट को अपनी स्लीव में अपनी बाँ में यानी जो कपड़े की स्लीव होती है उसमें बुन लेना वियर कर लेना उसे हम लोग क्या कहेंगे तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग इसमें मीनिंग देख पा रहे होंगे टू शो वंस फीलिंग यानी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग को दिखाना उसे हम लोग कहते हैं वियर वंस हर्ट ऑन वन स्लीव तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियम में पढ़ी लिया यानी अपने स्लीव में क्या कर रहा है अपने हर्ट को यानी अपने हर्ट सेप लाइक फैब्रिक को कह सकते हैं अपने कपड़े कह सकते हैं हर्ट शेप लाइक स्ट्रक्चर में उसको क्या कर रहा है उस पर वियर कर रहा है पहन रहा है तो चलिए इसे एक पिक्चर के थ्रू और इसका ओरिजिन भी हम पता लगाते हैं कि इस ईडियम की स्टोरी कहाँ से बनी थी तो चलिए हम लोग देखते हैं तो भाई वियर वंस हर्ट ऑन वन स्लीव ईडियम का ओरिजिन हम लोग कह सकते हैं लेडी से रिलेटेड है अगर बात करें पास्ट टाइम में कस्टम चली आ रही है जिसमें लेडी का जो लवर होता था वो उस लेडी से अपने अटैचमेंट को दिखाने के लिए क्या करता था अगर किसी भी मैदान में कर सकते हैं उसको किसी भी रेस में अगर किसी भी रेस में उतरता था और वो लेडी उसके सामने बैठी हो बैठी होती थी तो क्या करता था अपने किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में क्या करता था एक कपड़ा यानी कह सकते हैं हम लोग एक रैग बांध लेता था यानी कपड़े का एक चिथड़ा बांध लेता था जिससे वो क्या करता था अपनी एक्सप्रेशन को दिखाता था क्या करता था अपने एक्सप्रेशन को दिखाता था राइट जैसे कि आप लोगों ने पिक्चर में भी बहुत बार देखा होगा जब हीरो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो क्या करता है अपने एक हेड पर क्या कर लेता है एक कपड़े का टुकड़ा बांध देता है जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे जिससे हम लोग को एक्सप्रेशन मिलती थी कि वो जो हीरो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंग्री है बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो इस ई का भी ओरिजिन यहीं से हुआ था यानी कोई भी अगर अपने बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर कोई कपड़ा या फिर कह सकते हैं कुछ भी अगर अपने बॉडी के पार्ट में बांध लेता था तो वो क्या करता था अपनी फीलिंग को शेयर करता था अपने एक्सप्रेशन को शेयर करता था तो जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे और आप लोगों ने बहुत बार पिक्चर में भी देखा होगा तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ था यानी जो लवर था वो अपने क्या करा है उसने हर्ट लाइक शेप में एक कपड़े का टुकड़ा अपने वियर अपनी स्लीव में क्या किया उसने पहन लिया या फिर कह सकते हैं टाई यानी बांध लिया कहाँ पर अपनी स्लीव पर तो इस ईडीएम का भी ओरिजिन यहीं से बना था राइटर ने देखा कि जो ये प्रेमी है लवर है उसने क्या किया अपनी अपने हर्ट को कह सकते हैं अपने हर्ट को उसने अपनी स्लीव पर पहन लिया है वियर कर लिया है तो इस ईडीएम का भी ओरिजिन यहीं से बना था यानी वो अपना क्या कर रहा है अपनी अटैचमेंट को दिखा रहा है अपनी फीलिंग को दिखा रहा है अपनी फीलिंग क्या कर रहा है शेयर कर रहा है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यानी वियर वंस हर्ट ऑन वन स्लीव जिसका मीन क्या हो जाएगा टू एक्सप्रेस या फिर कह सकते हैं टू शेयर वंस फीलिंग अपनी फीलिंग को शेयर करना अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना दिखाना उसे हम लोग कहते हैं वीअर वंस हर्ट ऑन वन स्लीव तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट इडियम देख ले, लेते हैं जो कि दे रखा है वाइड ऑफ द मार्क जिसका मीन्स होता है फार फ्रॉम हिटिंग अ टारगेट यानी किसी टारगेट को हिट करने से दूर रह जाना या फिर कह सकते हैं जो गलत होता है रॉन्ग होता है या फिर कह सकते हैं टू बी इनएक्यूरेट यानी जो कहीं ना कहीं जो बिल्कुल सीधे से किसी टारगेट में ना लगे उस टारगेट से थोड़ा फार हो जाए दूर हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं वाइड ऑफ द मार्क जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि हमारा दे रखा है वाइड ऑफ द मार्क यानी किसी साइन से कोई चीज़ क्या रह जाना वाइड रह जाना जैसे कि आप लोग मैच में भी देखते होंगे वाइट बॉल होती है वो कहीं ना कहीं क्या होती है क्रिकेटर्स की क्रिकेटर की पहुंच से क्या हो जाती है दूर हो जाती है इसीलिए उस बॉल को हम लोग क्या कहते हैं वाइट बॉल तो इस ई का भी ओरिजिन यहीं से हुआ था तो चलिए पिक्चर के थ्रू हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो फ्रेंड्स अगर वाइड ऑफ द मार्क ई को स्टोरी के थ्रू लर्न करना है तो हम इसे क्रिकेट मैच की वाइड बॉल से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार क्रिकेट मैच देखा होगा और जिसमें बॉलर कई बार वाइड बॉल करा देता है और वाइड बॉल कौन सी होती है जो वाइड बॉल वो होती है जो कहीं ना कहीं जो स्टम से बहुत ज़्यादा दूर है या फिर कह सकते हैं क्रिकेटर की पहुँच से दूर है उसे हम लोग क्या कह देते हैं वाइड बॉल यानी जो बॉल है कहीं ना कहीं वो बॉल कैसी है रॉन्ग है टू तो बी इनक्यूरेट है यानी इनएक्यूरेट दे रखी है फार फ्राम हिटिंग अ टारगेट एक टारगेट यानी स्टम्प से क्या है बहुत ज़्यादा दूर है तो उसे हम लोग कह सकते हैं वाइड ऑफ द मार्क यानी आप लोग इस ईडीएम का ओरिजिन आप लोग या फिर कह सकते हैं स्टोरी के थ्रू आप लोग इसे रिलेट करके लर्न कर सकते हैं जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे यानी अगर आप किसी भी टारगेट पर आप कोई चीज़ हिट कर रहे हैं और वो कैसी रह जाती है वाइड रह जाती है यानी उस टारगेट से दूर हो जाती है तो उसे हम लोग कह देते हैं वाइड ऑफ द मार्क यानी वो चीज़ क्या है गलत है रॉन्ग है इनएक्यूरेट है जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यानी वाइड मीन्स क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं जो चीज़ क्या है किसी मार्क से बहुत ज़्यादा दूर है साइन से बहुत ज़्यादा दूर है किसी टारगेट से दूर है तो उसे हम लोग कह सकते हैं वाइड ऑफ द मार्क तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो इस प्रकार दोस्तों हमारे ये तीनों ई समाप्त होते हैं और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत